तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन। अब नाउन पर हम लोग आज पढ़ेंगे और नाउन पर जानेंगे कि नाउन क्या होता है। तो नाउन जो है वो कह सकते हैं कि जितने भी नाम हैं पूरे दुनिया पूरा वर्ल्ड ही नाउन है, ठीक है। यानी एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए नाउन, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी नाम है, ठीक है, जिसका नाम है। तो दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सभी नाम है, ठीक है। आपका नाम भी हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेड़ हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, हवा हो गया, ये सभी के सभी क्या है, नाम है, ठीक है। तो नाम क्या है, तो नाम द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड ए नाउन, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी क्या है, नाउन है। अब नाउन को हम लोग कह सकते हैं क्या कि जितने भी नाम है यानी एवरीथिंग, ठीक है, यानी द नेम ऑफ, यानी कह सकते एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज ए नाउन, लिविंग और नॉन लिविंग, द नेम ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी नाम क्या है, तो द नेम ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ नाउन। अब वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग, सब नाम है, ठीक है। अब जैसे सच एज, अब सच जैसे फैन हो गया, ठीक है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, और आपका एयर हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, इट इस कह सकते हैं ये सभी के सभी क्या है, नाम है, ठीक है। नाम का हिंदी संज्ञा होता है, ठीक है, संज्ञा है ना, संज्ञा, तो ये सभी के सभी क्या है, नाम है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं कि नाम जो है इसके मुख्यतः जो है वो दो टाइप है, ठीक है। एक है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और सेकेंड है अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये दो टाइप है नाम का, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में तीन रखा गया है, काउंटेबल आई मीन कह सकते हैं कि जो गिनने योग्य है, ठीक है, यानी टू बी काउंट, ठीक है। अनकाउंटेबल मतलब कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे गिना नहीं जा सके उसे अनकाउंटेबल, और जिसे गिना जा सके उसको काउंटेबल, यानी टू बी काउंटेड, ठीक है। अब जिसको गिना जा सकता है तो इसी में से हम अगर देख लें तो इसमें जो है प्रॉपर नाम, ठीक है, प्रॉपर नाम, ऐसे प्रॉपर नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया कॉमन नाम, है ना, कॉमन नाम हो गया। उसके बाद हो गया हमारा कलेक्टिव नाम, ठीक है, कलेक्टिव नाम। तो ये क्या है, ये काउंटेबल नाम है, ये तीनों, ठीक है, वन टू और थ्री। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाम, तो अनकाउंटेबल नाम दो टाइप का होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं एबस्ट्रैक्ट नाम जो है वो अनकाउंटेबल नाम ही है, और जो हम लोग मेटेरियल नाम पढ़ते हैं, ठीक है, मेटेरियल नाम जो है वो हमारा है अनकाउंटेबल नाम, ठीक है। अब काउंटेबल नाम है तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, यानी तीन हो गया और ये चार हो गया और ये पाँच हो गया, तीन प्लस दो मिला करके जो है पाँच, यानी पांच टाइप कर सकते हैं नाउन का है, ठीक है। लेकिन मेनली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो है वो दो ही टाइप है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट और मेटेरियल नाम है, और काउंटेबल नाम के अंतर्गत जो है प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको, डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले समझते हैं कॉमन नाउन को, ठीक है, आखिर कॉमन नाउन है क्या। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉय, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं गर्ल, यहाँ पर लिख देते हैं गोट, ठीक है। अब ये तीनों जो नाम हैं, ठीक है, वो पूछा जाए कि कौन सा नाम है, ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा नाम होता है। तो बॉय, अब बॉय जो यहाँ पर है और गर्ल, गोट किसी को भी एक ले लेते हैं, बॉय को ही ले लेते हैं बॉय। अब बॉय बोलते हैं, बॉय मतलब होता है लड़का, और लड़का का मतलब जो दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबका बोध हो रहा है लड़का से, है ना, सबका बोध हो रहा है लड़की। अब लड़की करने से दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सभी बकरी। अब बकरी जब बोलते हैं तो दुनिया में जितने भी बकरियां हैं सबका बोध होगा कि किसी एक का होगा, सबका ही होगा, ठीक है, एक का भी तो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे लड़का बोलते हैं तो इसे सभी का बोध होगा, तो सभी का बोध जब होता है तो उसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो क्या होता है, कॉमन नाम होता है, यानी पूरी जाति का बोध करता है, ठीक है, ये सभी तीनों क्या हो गए, कॉमन नाम हो गए, ठीक है। अब इस वॉय में ही अगर हम किसी जो लड़के हैं तो नाम तो होगा, तो हम एक को नाम धर दिए राहुल, ठीक है। अब वॉय था, हम एक को नाम धर दिए राहुल,
अब राहुल जो है ये तो है नाम ही, ठीक है, लेकिन कौन सा नाम है? यहाँ पर नामकरण हो गया, तो नामकरण हो गया तो ये बन गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये दोनों नाउन समझ में आया। कॉमन नाउन मतलब पूरी जाति का बोध होगा, ठीक है, पूरी जाति का बोध होगा तो कॉमन नाउन होगा, और अगर उसी कॉमन नाउन से अगर एक का नाम धर दो तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। समझते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जब भी होगा तो बॉय जो है, अब बॉय झुंड में रहना पसंद करेगा, लड़की, अब लड़कियाँ भी झुंड में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। गोट, अब गोट है तो झुंड में रहना पसंद करेगी, ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप में रहना पसंद करेगी, लेकिन गोट जो है वो झुंड में रहना पसंद करती है, बकरियों के साथ रहने लगेगी, है ना। तो ये जो है गोट, गोट जब ग्रुप में रहेगी, ठीक है, यानी जब बन जाएगा समूह, जब बन जाएगा, ठीक है, समूह जब बन जाएगा तब उसको बनेगा कलेक्टिव नाउन, समूह जब बनेगा तब, जैसे चार लड़कों का ग्रुप, ठीक है, समूह, तो बन गया कलेक्टिव, ठीक है, बकरियों का झुंड, ये बन गया कलेक्टिव, ठीक है। तो क्या, जब समूह बन जाएगा, ठीक है, तो समूह बनेगा तो ये हो जाएगा कलेक्टिव, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट पर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव, और भाव मतलब होता है फीलिंग, और फीलिंग मतलब कैन नॉट सी, यानी जिसे हम देख नहीं सकते। अब जिसे देख ही नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब क्या फील कर सकते हैं, जैसे एयर हो गया, तो एयर यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहीं नहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, चूँकि फीलिंग है, अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे जान जाते हैं कि हवा है, तो जब पेड़ की जब पत्तियाँ जब डोलती हैं तब बोलते हैं कि यहाँ हवा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे अनुभव कर सकते हैं, सांस ले रहे हैं तब अनुभव कि यहाँ एयर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल, मटेरियल मतलब होता है मापतौल। अब इसका मापतौल होगा 1 kg 2 kg, ठीक है, तो हो जाएगा मटेरियल, ठीक है। तो आई होप ये पांचों नामों को समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप जरूर से कमेंट किया कीजिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक में कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब ये पांचों नाम समझने के बाद अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब ये पांच नाम पढ़ चुके हैं, पांच नाम को समझ भी लिए, अब नाम में ही पढ़ना है आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो बॉय है, ठीक है, ये बॉय है। अब इस बॉय के बदले में हम इसको बॉय भी लिखते हैं, ठीक है। ये गर्ल के बदले हम लोग यहाँ पर गर्ल्स भी लिखते हैं, है ना। अब गोट है तो गोट्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर तो सिंगल का डिनोट हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी सिंगल है, ठीक है। तो जब सिंगल होता है तो यहाँ पर काउंटिंग होना शुरू हो जाता है, और जब काउंटिंग होना शुरू हो जाता है तो वहीं से जन्म होता है नंबर का, ठीक है। और इस जो नंबर है, नंबर का जन्म हो जाता है जब काउंट करना जब हम लोग शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बॉय था तो बॉय काउंट हो रहा था कि मतलब एक होगा, ठीक है कोई एक ही है, ठीक है। बॉयज़ करे इसका मतलब बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है। गर्ल करे थे तो एक ही गर्ल, गर्ल्स ऐसी बोल दिए तो काउंटिंग होना शुरू हो गया। अब जब काउंटिंग होना शुरू हो गया तब जन्म हो गया नंबर का, ठीक है। अब नंबर का जब जन्म हुआ तब जब ये सिंगल था, ठीक है तो ये दोनों नंबर, ठीक है, ये दोनों हम कह सकते हैं इसको नंबर, ठीक है, ये नंबर है, लेकिन इसी दोनों में जो है एक है सिंगल और एक है दो से अधिक कह सकते हैं, मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू। अब ये जो है ये मोर देन टू है ना, ये जो है वो सिंगल का डिनोट हो रहा है। तो जब सिंगल का डिनोट होगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर नाउन, और जब ये दो या दो से अधिक का जब होगा तो उसको बोलेंगे प्लूरल नाउन, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब सिंगल होगा तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल होगा तो एक से दो से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे प्लूरल नाउन, ठीक है। तो नंबर, अब नंबर जो है, नंबर यानी ये काउंट करेगा एक या दो से अधिक, एक या दो होने का बोध होगा, ठीक है, जिस वर्ड से एक होने का बोध होगा या एक से अधिक होने का बोध होगा तो उसको बोलेंगे नंबर। अब नंबर जो है, नंबर को भी दो टाइप में बांटते हैं, ठीक है,